राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी जी के नेतृत्व में सोमवार को पुरदिलपुर स्थित खन्ना लाज में सांध फेरी निकाला गया। सांध फेरी पुरदिलपुर विजय चौक गोलघर गणेश चौराहा टाउन हॉल चौराहा होते हुए महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर समापन हुआ। सांध फेरी के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में खजड़ी करताल बजाते हुए बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम के गीत को गुनगुनाते रहे। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि हम ऐसी सत्य एवं अहिंसावादी विरोधी पार्टी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जब तक जीवित है तब तक बापू जी का मजबूत हथियार सत्य अहिंसा को कायम रखेंगे। सांध फेरी में प्रभारी जिला अध्यक्ष राकेश यादव, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, उमेश चंद्र खन्ना, प्रेमलता चतुर्वेदी, मदन त्रिपाठी, उदयवीर सिंह, संजीव सिंह सोनी, नवीन सिन्हा, मारकंडे सिंह, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार, निषाद स्नेहलता, रामनाथ निषाद, दिलीप जायसवाल, अजय कन्नौजिया, नासिर मुन्ना, अरुण सोनकर, अरविंद जायसवाल, डॉक्टर कुलभूषण शाही, सुहेल अंसारी, अनिल सोनकर, हीरालाल यादव सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी ने कहा, अरुण कुमार अग्रहरी अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती समारोह के अंतर्गत जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक इकाई जिला और महानगर इकाई के द्वारा ये एक प्रभात फेरी और सांध फेरी के माध्यम से जनता के बीच में जाकर राम धुन गाते हुए उनके अहिंसा और सत्य के विचारों के प्रत्येक संकल्प लेने के लिए हम लोग प्रभात फेरी और सांध फेरी के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग पुरदिलपुर स्थित खन्ना लाज कार्यालय से हम लोग निकलते हुए सिनेमा रोड गोलघर देते हुए राष्ट्रपिता गांधी जी के प्रतिमा पर हम लोग एकत्रित हुए हैं गांधी जयंती के पूर्व संध्या पे। आज जब पूरे दुनिया के अंदर जब यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था ने उनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है और पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया, गांधी जी के दर्शन को, गांधी जी के विचारों को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का काम करती है, वहीं हिंदुस्तान के अंदर एक गांधी विरोधी विचारधारा भी बड़ी तेज़ी से पनप रही है जो निश्चित रूप से आने वाली देश की एकता और अखंडता के लिए एक शुभ संकेत है। ये तो निश्चित है कि जब तक हम कांग्रेस जन, एक भी कांग्रेस जन रहेगा, देश की एकता और अखंडता के साथ कोई भी समझौता नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए कितनों बड़े से बड़े बलिदान देना पड़े, जान की अपने कुर्बानी देना पड़े, लेकिन निश्चित रूप से देश एक अस्थिरता के माहौल में जा गुजरेगा। तो इसी आज उस विचारधारा के विरुद्ध जब लोग राजनीति का पूरी तरह धार्मिककरण कर दिए हैं, आज बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता इस तरह का भाषण दे रहे हैं, को अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक पटाखे छोड़े जाएंगे। आज फला पार्टी अगर जीतती है तो सबसे ज़्यादा खुशी फला देश को होगी, एक दुश्मन देश को, जबकि आज आए दिन सीमा पर सैनिकों की शहादत प्रतिदिन जिसको देख के हम सब लोगों का, हम सब भारतीयों का, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं, खून खौल उठता है। को काश आज इंदिरा जी के ही विचारधारा से, उनकी दृढ़ता से, उनकी निडरता से, उनके साहस से आज ये जो सिर्फ एक जुमलों की बाजों की सरकार है, एक प्रेरणा का काम करती, उनके आदर्शों पर चलने का काम करती, तो निश्चित रूप से वो पाकिस्तान जो पूरे दुनिया के अंदर एक आतंकवाद का पोषक देश के रूप में जाना जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान,
के राष्ट्रपति द्वारा खुलेआम विश्व मंच से कहने की बात हो, चाहे ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा, चाहे यूरोपीय संघ के द्वारा, तो उसको एक अच्छी तरह सबक सिखाने का हम लोग काम करते और आए दिन हमारे सैनिकों को शहादत नहीं देनी पड़ती। तो हमारे कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान केंद्र की सरकार, किसी भी वर्ग का, ना हिंदुओं के, ना मुस्लिमों को, ना सिख, ना ईसाई, और ना किसी एक आम जनता को हित में काम करने का इनसे इनका कोई तात्पर्य नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता से को सत्ता किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे वो कितनों भी बड़ा खून खराबा करने के लिए जो है इनको स्थिति पैदा करनी पड़ेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसी के विरुद्ध आज सबसे ज़्यादा अधिक पार्था सिंह महात्मा गांधी के विचार पूरे देश के लिए हैं और इनको विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रभात फेरी और सांझ फेरी के माध्यम से सड़कों पर निकलने का काम कर रहे हैं।